सपने जो तुमने देखे हैं सरकारी नौकरी के, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप ने भी देखे हैं, और उन सपनों को पाने के लिए काम तुम्हें करना है। लेकिन माँ बाप सिर्फ तुम्हें देखते हैं कि तुम कब उनके सपने पूरे करोगे, और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। परीक्षा में मैथ सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। अगर आपको गणित नहीं आती तो आप मैक्सिमम सरकारी नौकरी की कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। इस ऑडियो में मैं आपको मैथ एक दिन में कैसे सीखें उसके बारे में बताऊंगा, और ये कोई जादुई चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में मैथ सीखेंगे। ये वही चीज़ है जो बचपन से आपने नेगलेक्ट किया है, बचपन से आपने जिसको छोड़ा है, जिससे दूरियां बनाई है। मैथ को सीखने के लिए आज आप जब मैथ किसी कोचिंग में जाके सीखते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस देखते हैं, तो आपके मन में यही प्रश्न आता है कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है, जो शिक्षक है, उसको कैसे पता चल जाता है कि इस प्रश्न में ये स्टेप लगेगा, इस प्रश्न में ये स्टेप लगेगा, और उनको इतना सारा कैसे आता है। तो आपके मन में भ्रम पैदा होता है कि मुझे मैथ कभी नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और सामने वाला टीचर बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए उसको इतनी सारी मैथ आती है। तो ये क्वेश्चन जो है और ये भ्रम, इसी को तोड़ने वाला हूँ इस वीडियो में। आप इसको अंतर मन से सुने और जो मैं बताऊँ वो लिखें। सबसे पहले जो मास्टर आपको पढ़ा रहा है, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, जिस ऑफलाइन कोचिंग में आप जाके सीखते हैं, वो मास्टर उस क्वेश्चन को हो सकता है हजारों बार देख चुका है, इसलिए उसको ये पता है कि कब कौन सा स्टेप लागू होगा। उसने कई बार उस प्रश्न को देखा है, और आप उस प्रश्न को हो सकता है पहली या दूसरी बार देख रहे हो, इसलिए आपको उस प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, आपको आता नहीं है। अब मैं मूल बातों पे आऊँगा कि एक दिन में ऐसा क्या करें कि हमको मैथ आने लगे। तो आप नोट कर सकते हैं कि बचपन से आपने पहाड़े 2 से लेकर 30 तक पहाड़े कभी भी पूरी तरीके से याद नहीं किया। जब आप पहाड़ों को मन में कर सकते हैं, कैलकुलेशन को मन में कर सकते हैं, तभी आप मैथ सीखने की प्रगति पर रहेंगे। आपको 2 से लेकर 30 तक पहाड़े, 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर और क्यूब, ये तीन चीज़ पेज पे नोट डाउन कर लेनी है, और पूरे घर में तकरीबन 10 से 12 जगह इसको फोटोकॉपी करके लगा दीजिए। एक दिन के अंदर आप इसको रटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप 2 से लेकर 30 तक पहाड़े नहीं रट पाएंगे तो परीक्षा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इतनी सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे, फिर तो नौकरी आपके लिए बनी ही नहीं है। इसलिए आपको 2 से लेकर 30 तक पहाड़े तो रटने ही पड़ेंगे, और उसके साथ 2 से लेकर 30 तक स्क्वायर और क्यूब, इनको भी रटना है। जब आप इसको एक पेज में लिख कर अपने घर में 10 से 12 जगह फोटोकॉपी कर करके चिपका देंगे और रोज उसको देखेंगे, इवन एक दिन में तो आपको उसको रट लेना है, यानी कि आप उसको एक दिन के अंदर पूरा याद कर लें कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब आप उसको घर में चिपका के रखेंगे और डेली उसको देखते रहेंगे, वो आपकी आत्मा में समा जाएगा, और जब उसके बाद आप चाहे वीडियो क्लासेस देखें या ऑफलाइन जाके मैथ को सीखें, उसके बाद आप मैथ सीख पाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा और आपको लगेगा कि मैं मैथ कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि आप पहाड़े और स्क्वायर क्यूब को करें। ये छोटी सी टिप्स आपके लिए थी। मैथ का कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। आप सबसे पहले इस चीज़ को याद करें, और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। जब आप ये पहाड़े स्क्वायर क्यूब कर लेंगे, उसके बाद मैंने चैप्टर के बारे में बताया है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के सीखते हैं, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ टीचर आपको अपने अनुसार पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप घर में पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है उसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के माध्यम से लगा दूंगा, और आप उसको देख लीजिएगा। और आज के बाद आप किसी से मत कहिएगा कि मुझे मैथ नहीं आती, अपने आप से भी मत कहिएगा कि मुझे मैथ नहीं आती, क्योंकि आज से आपको मैथ आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।